नामवर भारतीय अदाकार रणबीर कपूर ने दावा किया था कि फिल्म साज संजय लीला भंसाली फिल्म सेट पर इनकी पिटाई लगाया करते थे। रणबीर ने संजय लीला भंसाली की 2007 की फिल्म सावरिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और यह फिल्म अदाकारा सोनम कपूर की भी पहली फिल्म थी। तहम फिल्म से मुतालिक अपने तजर्बे पर रणबीर ने एक मरतबा इंटरव्यू में कहा था कि संजय लीला भंसाली इनकी पिटाई लगाया करते थे। सोशल मीडिया पर रणबीर का वो इंटरव्यू एक मरतबा फिर जेर गर्दिश है, जिसमें इन्होंने अपनी पिटाई लगाए जाने का दावा किया था। रणबीर का कहना था कि संजय इंतहा से ज्यादा काम करने वाले हिदायतकार हैं और मेरी हालत बिल्कुल डाउन थी, वो मेरी पिटाई भी लगाते थे। उनका यह भी कहना था कि एक ऐसा मौका था जब मैंने फिल्म को छोड़ने का फैसला किया था, 10 या 11 माह हो चुके थे काम करते करते और हालत ऐसी थी कि मैंने सोचा ये मैं नहीं कर सकता, ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रणबीर कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास और जज्बाती हूं और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो इस बात पर इत्तफा भी करता है। एनिमल के अदाकार ने यह भी कहा कि मेरा ख्याल है कि मेरी तमाम परफॉर्मेंसेस जो मैंने सिनेमा में दी हैं वो इन्हीं की तरफ से मिले जुले तजर्बे की बदौलत आई हैं। वो एक हकीकी उस्ताद हैं, इन्होंने अदाकारी और जज्बात के हवाले से मुझे सब कुछ सिखाया।